हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो किसानों का आंदोलन जारी है तो वही दूसरी तरफ किसान 26 जनवरी की तैयारियों में जुटे हैं, जोर शोर से जुटे हैं। किसानों ने प्रदेश की सड़कों पर ट्रैक्टर परेड के लिए रिहर्सल की। रिपोर्ट देखिए। किसानों के आंदोलन को 53 दिन हो चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच हुई बैठकों से भी कोई समाधान नहीं हो रहा, जिसके बाद किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया, जिसके लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसान ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल कर रहे हैं। टेकरी बॉर्डर पर किसानों ने 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल की। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सैनिक और किसान 19 जनवरी को भी धरना स्थल पर मार्च की रिहर्सल करेंगे। किसान नेताओं ने मार्च को लेकर एक बार फिर कहा कि 26 जनवरी को होने वाला उनका ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण तरीके से होगा। हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर ट्रॉली 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, हर गांव से एक ट्रैक्टर ट्रॉली महिला किसानों की भी होगी। किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी के लिए और किसान कूच कर रहे हैं, जो जल्दी ही बॉर्डरों पर आ जाएंगे। 26 को हम चाहते हैं अभी ये हर गांव से ट्रैक्टर आ रहे हैं, वो हमने 20 का ऐलान कर दिया। 20 से शुरू हो जाएंगे ट्रैक्टर इधर को आने, 20 को इधर आने शुरू हो जाएंगे, और साथ के साथ आप देखोगे 23-24 तक लाखों लोग दिल्ली में और आ जाएंगे। लाखों लोग आ जाएंगे, सारा सामान लेके आ रहे हैं। मतलब जिस साधारण लड़ाई नहीं मान रहे इसको, वो साथ में राशन पानी बिस्तर गद्दे हर चीज लेके आ रहे हैं। इतनी आपका काम का सीजन था, जब हमने ये आंदोलन शुरू किया था तो मुझे याद है कि किसान ये कह रहे थे भी 2 दिन तो दिल्ली में रुकेंगे, तीसरे दिन हमें घर वापस जाना पड़ेगा, काम है। मगर आज 2 महीने होने को हो गए, 60 दिन के लगभग होने को हो गए, और किसान दो दिन वाले 2 महीने में डटे हुए हैं। चरखी दादरी में भी किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। विभिन्न खापों, किसानों, व्यापारियों और कर्मचारियों संगठनों समेत महिलाएं भी ट्रैक्टर चलाकर पहुंची। परेड कर रहे किसानों ने कहा कि ये तो अभी झांकी है, 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे तो 26 जनवरी को देश किसानों की ताकत देखेगा। देखिए, किसानों ने आज मोदी जी को झलक दिखा दी, और अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म तो 26 तारीख की किसान परेड के लिए, 25 तारीख को जब यहाँ से किसान कुछ करेंगे तब उनको असली झलक दिखाई देगी। और अब भी समय मोदी जी समझ जाएं, 3 कृषि कानूनों को रद्द करें, MSP की गारंटी दें, और बिजली संशोधन अधिनियम जो 2020 है उसको तुरंत वापिस लें। आज जो किसानों ने रैली निकाली है, ट्रैक्टरों की जो ट्रायल दी है, ये एक मोदी को संदेश है, या तो मोदी 3 काले कानून वापस ले ले, नहीं तो आने वाली 19 तारीख तक और 26 को दिल्ली में जब किसान घुसेगा, मोदी सरकार का तख्तापलट करने का काम करेगा। 3 कृषि कानून रद्द कराने के साथ ही MSP की गारंटी देने और बिजली संशोधन 2020 को वापस लिए जाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम चरखी दादरी के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ज्ञापन दिया है ट्रैक्टर मार्च के बाद, और उस ज्ञापन में उन्होंने 2 ही मांग रखी है। एक तो जो 3 कानून है, कृषि कानून है, उनको वापस लिया जाए, और MSP की गारंटी दी जाए, और ये राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के नाम ये उन्होंने मुझे मेमोरेंडम दिया है, मैं इसको राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम तक पहुंचा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि इस मार्च में किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, मार्च शांतिपूर्वक तरीके से हुआ। कैथल में किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति बनाई गई। कैथल के हनुमान वाटिका पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जिला भर से किसान पहुंचे और मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि लगभग 4 से 5 हजार ट्रैक्टर दिल्ली की ओर कूच करेंगे और इसमें महिलाओं की भी भागीदारी रहेगी। महिलाएं भी बॉर्डर पर पहुंचेंगी और 18 तारीख को दिल्ली बॉर्डर पर महिला दिवस मनाया जाएगा। हर खापे अपनी पंचायत करके, जैसे बालू खाप ने एक पंचायत करी 8 गांव की, हर घर से एक आदमी, जितने ट्रैक्टर हैं, और मोहन खाप ने भी यही, सभी खापे इकट्ठी होकर के इस आंदोलन में लाखों ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली कूच करेंगे। महिलाओं को भी, हमारा महिला दिवस है, महिला दिवस में उन जितनी भी महिला इकट्ठी होंगी उनको प्रेरित करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्रैक्टरों पर इस आंदोलन में भागीदारी के लिए लेकर जाएंगे। एक तरफ तो किसान ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है,
दिल्ली की तरफ कूच किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहे वे आंदोलन के समर्थन में अपनी हर संभव मदद कर रहे हैं। रोहतक में टीकरी बॉर्डर पर जा रहे आंदोलनकारियों के अभिवादन के लिए लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई और सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। युवाओं का कहना है कि आंदोलन कितना भी लंबा चले सरकार को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। भाईचारे के लिए, किसान एकता के लिए, वहाँ भी जाएंगे, जाते रहते हैं, लेकिन सरकार तो मानने को तैयार नहीं है। हम भी नहीं मानेंगे, जो सरकार नहीं मानेगी तो हम भी अड़े हैं। तो आप लोग मानव श्रृंखला बना रहे हो, क्या टीकरी बॉर्डर नहीं जा रहे हैं? टीकरी बॉर्डर पे भी जा रहे हैं, कल शाम को वापस आए थे 5 दिन में। सरकार मानने को तैयार नहीं है, सरकार भी अड़ी हुई है। सरकार मान जाएगी और 10-5 दिन में मान जाएगी। बॉर्डर पर चल रहा किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, किसानों को लगातार समर्थन भी मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान 26 जनवरी की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि इन सबके बीच सवाल यही है कि इस आंदोलन का अंत कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।